आज के वाले वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं दुनिया के टॉप पबजी मोबाइल प्लेयरों की प्लेइंग स्टाइल। इस वाले वीडियो के माध्यम से तुम्हें एक अंदाजा मिल जाएगा कि अगर तुम्हारी भी प्लेइंग स्टाइल इनमें से किसी से थोड़ी बहुत भी मिलती जुलती है तो वो चीज तुमको गेम के अंदर इम्प्रूव करने के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। स्टार्ट करते हैं जोनाथन से। गेम सेंस तो अलग लेवल पे, लेकिन जो उसका हर एक फाइट को आसानी से निकालने वाली चीज जब वो प्रैक्टिस बिल्कुल फास्ट मोड में रहता है वो है। जब मैं जिगल सीख रहा था तब मैंने ये वाली चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया था और इससे अभी भी देख लो। यहाँ पर अगर 10 मिनट अपने हाथ दुखा दो और गर्म कर दो उसके बाद गेम में तुम्हारी हिप फायर की जो गोलियां चिपकेगी और मक्खन जैसी स्मूथ तुम्हारी मूवमेंट हो जाएगी। मेन जोनाथन का सीक्रेट मेरे को यही लगता है, धीमे धीमे करने से कुछ होता नहीं। अगर तुम फास्ट फास्ट ट्रेनिंग करोगे और अपना हाथ को दुखा दोगे जिस तरह एक बॉक्सर ट्रेनिंग करता है, जब तक दुखना चालू नहीं होगा तब तक काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब भी मैंने ये चीज की है मेरे को अपने गेम प्ले के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखा है बस 10 मिनट करने से। और वहीं पे जोनाथन इस वाली चीज को सालों से कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट रीजन है कि उसका 1v1 इतना स्ट्रांग है जिससे आधी गेम तो वो वहीं पे जीत जाता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो रश करके मैंने ये बंदे को मार दिया। वैसे मेरा एम इतना अच्छा है नहीं, 10 मिनट ऐसे प्रैक्टिस ग्राउंड के अंदर हार्ड वर्किंग की तरह अपनी उंगलियां घसोड़ दो हो जाएगा तुम्हारा एम ऐसा। और मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है ना क्या होता है कैसे होता है तो ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट मार लेना। और फिर तुम खुद अपने गेम प्ले के अंदर ये चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारे जो हेडशॉट है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे तो देखो बंदे को 1 HP पे मारा है। अब आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर यानी कि पारा बॉय पे। मैं तुम्हें ज्यादा एडवांस नहीं ले जाऊंगा बल्कि सिंपल ही समझा दूंगा। तो ये जिस तरह खेलता है अगर तुम भी उसी तरह खेलोगे तो तुम्हें फ्री के किल मिलेंगे, ये मेरा दावा है। इसके लिए बस तुम्हारे स्प्रे ठीक ठाक होने चाहिए और फिर तुम्हारे दिमाग को आना चाहिए ढंग से गेम के अंदर कैसे एंगल ढूंढ के बनाना है। मैं तुमको बहुत सिंपली पारा बॉय का गेम स्टाइल समझा देता हूँ। अब बंदे हमारे मुंह के सामने से भाग के जा रहे हैं तो हम में से 90% लोग वहीं पीछे से भाग के उनको मारने की ट्राई करेंगे, बट पारा बॉय उसको मारने नहीं भागेगा लेकिन उसके बाद जो आएगा उसको मारने के लिए एक अच्छा एंगल ढूंढ लेगा और फिर उसके बाद इतना मक्खन की तरह इजीली किल बटोर लेगा जितना कोई बंदा रश करके किल नहीं ले सकता। बट इसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि टीममेट देते रहते हैं अगर ढंग के हुए तो, वरना तुमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे एक बंदा रिस्पॉन हुआ, मुझे लगा ऊपर आके मेरे को मारेगा, बट जब थोड़े सेकंड तक वो नहीं आया तो मैंने जहाँ से वो निकल सकता वहाँ पे अपना एम लेके उसको इजीली मार दिया। कितनी परफेक्ट टाइमिंग थी मेरी। देखो इंडिया में इसको कैंपिंग बोला जाता है बट चाइना में इसको पोजीशन होल्डिंग कहा जाता है और जिसने भी ये ठीक से कर ली उसको इज्जत मिलती है बहुत सारी, लेकिन इंडिया में किसी ने कर लिया तो उसको गालियां मिलती है वो भी बहुत सारी। बट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तुम्हें इजी वे से किल मिल ले है बस अपने दिमाग का थोड़ा ठीक से यूज करके तो फिर मुझे नहीं लगता फर्क पड़ने वाला। लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारा टीम मट्टे जो भी होगा वो नुबड़ा वो इन्फॉर्मेशन भोगता है क्योंकि चाइनीज प्लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा कवर प्रोवाइड करते हैं। पता लगा तुम तो अपने टीममेट को कवर मस्त प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरह कुछ, और किसी ने तुम्हारा नेन का पीछे से निकाल दिया। बहुत ध्यान रखना इस वाली चीज का। ऑन अ सीरियस नोट पारा बॉय हिप फायर एक्यूरेसी पे इतना बिलीव कभी रखता ही नहीं है, चाइनीज टीम्स नहीं रखती है। पता नहीं ये गेम फॉर पीस के अंदर कुछ लोचे लपाच होंगे, उन्हें डॉट पर मारना बहुत पसंद है, एडीएस कर ही देते भाई जितना भी क्लोज हो। जैसे यहाँ पे तुम देखो पूरा गेम सेंस पे रहता, जैसे उन्हें लगता है भाई बंदा निकल के मारने वाला है प्री फायर दे देते लो कर देते और उसके बाद जब बंदा पुश करता है तो उसके हेड पे अपना एडीएस खोल देते और उनका एडीएस इतना पक्का होता है जितना पक्का मेरे घर का नींबू नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 3 की यानी कि काल री हो। बेसिकली इसका जो बेटिंग स्टाइल है वो बेस्ट है, एनिमियों को मच्छी की तरह मारता ही है तड़पा तड़पा के। तुम्हें से हो सकता बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इसको, इसके लिए हम लोग इसी की क्लिप यूज करेंगे जिससे तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो जिसका फाइटिंग लेने का स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है, एनिमी के ऊपर रश कर देगा बट उसके मुंह पे नहीं चढ़ेगा और तुम गेम प्ले देख के समझ सकते हो कि ये एनिमी को बाहर आने के लिए तड़पा रहा है, फायर करते हुए सीधा कवर के अंदर आ रहा है और वेट कर रहा है बस एनिमी की एक गलती होने का जिससे ये वाली फाइट जीत जाए और एनिमी ने वो वाली गलती कर दी। और ये एक बार का नहीं है बल्कि इसका ऐसा ही चलता रहता है। इस वाली फाइट के अंदर बस देखना पीछे से एक बंदा था इसको इजीली मार दिया, सामने सब जो बंदा है यहाँ पे पहले ओपन में जाके इसने खुद ने बहुत सारा डैमेज ले लिया, बट अब तुम उसके बाद देख सकते हो एनिमी के दो बंदों ने इसकी मूवमेंट को ब्लॉक करने की ट्राई की बट नहीं कर पाए। अब इससे जो एनिमी है वो तुमको अंधों की तरह मारने आएगा जिससे तुम उसको बहुत इजीली मार सकते हो मच्छी की तरह तड़पा तड़पा के। इसके अंदर भी तुम्हें अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से होल्ड करना है और हो सके उतना फाल करते हुए कवर के अंदर आना है। अब मिड और लॉन्ग के अंदर तो हम लोग यूज करते हैं डैमेज दो अंदर, लेकिन जब तुम इसको क्लोज रेंज के अंदर ऐड कर दोगे फिर तो अलग ही तबाही मचेगी। तो गाइस ये हम लोग जो वीडियो बना रहे पूरा का पूरा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अब वैसे तो सारे प्लेयर्स बढ़िया होते हैं लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मैंने तुम्हें इस वाले वीडियो के अंदर अंदर नहीं इस वीडियो के माध्यम से बताया है इनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज जो कि तीनों नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जिनको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है और फिर बाकी प्लेयरों से ऊपर ले जाती है। जैसे पारा बॉय के केस में तुमको ये वाली क्लिप दिखाना भूल गया। अब सामने है बंदे, मैंने एडीएस खोल के रखा और 3 नंबर
का आइकन पे नजर रखी। जैसे ही वो आगे बढ़ा मैंने उठ के गोलियां चला दी और एक बंदे को मार दिया। तो जैसे ही मैंने बोला यही कुछ छोटी मोटी चीजें एक बंदे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है और फिर लोग उनको हैकर बोलते हैं। वो सब चीजें छोड़ो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर तुम पहली बार आए हो। इस वाले वीडियो को उन दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो कि पबजी को खेलते हैं। मुझे खुशी होगी मेरे वीडियो तुम्हारे प्यारे प्यारे दोस्तों तक पहुंचेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा और इसके और पार्ट्स चाहिए यानी वो भी बता देना। बाकी मैं मिलना तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।